लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान किया गया, जिसमें इस बार मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना। कहीं महिलाओं की लंबी कतार नजर आई तो कहीं वृद्ध बुजुर्ग सहारा लेकर मतदान केंद्र पहुंचते नजर आए। वहीं प्रत्याशियों ने भी अपने परिवार सहित मतदान किए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 सीटों के लिए मतदान सम्पन्न कराया गया, जिसके तहत दुर्ग में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना। इससे पहले दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और साथ ही उन्होंने सेल्फी जोन में फोटो के माध्यम से मतदान की जानकारी दी, साथ ही लोगों को मतदान करने की अपील की। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव अपनी धर्मपत्नी के साथ सुबह 8:30 बजे स्कूटी वाहन पर सवार होकर पद्मनापुर स्थित बिजली ऑफिस मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के लोग भी शामिल रहे। मतदान करने के बाद दुर्ग विधायक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बातें कही। आज आप सुबह से देख रहे हैं, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बजे भी हमारे विद्युत नगर का ये मतदान केंद्र में भीड़ लगी हुई है। 7:45 बजे मेरे पूज्य पिताजी यहाँ जब वोट देने आए तो उन्होंने बताया कि उस समय भी लाइन लग गई थी। यह बता रहा है कि जनता में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता जनार्दन सुबह से ही मतदान पोलिंग स्टेशन चालू होने के पूर्व ही लोग आके यहाँ मतदान के लिए लाइन क्रमबद्ध खड़े हो गए हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। आपने कहा 48,000 से मैं जीता, उस समय जनता का आशीर्वाद था और मुझे लगता है इस बार भी जनता उससे ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू सुबह 10:30 बजे अपने परिवार के साथ रूंगटा कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। इससे पहले राजेंद्र साहू ने मतदान करने से पहले दुर्ग के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में पहुंचकर माता रानी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। मतदान के बाद राजेंद्र साहू ने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी। जनता का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और मुझ पर है और पूरा विश्वास है कि चुनाव अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी तो मतदान हो रहा है, कोई बात होगी तो आपको जानकारी दे दें। जिस तरह से शहर में मतदान को लेकर आम जनता के बीच उत्साह नजर आया तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं में काफी उत्सुकता नजर आई। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने ग्राम कोरियापुरी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया और जनता का भरपूर सहयोग मिलने आश्वासन जताया। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। लोकतंत्र हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भारत 140 करोड़ भारतवासी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आज महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव में हम पूरे परिवार के लोग भी इस महोत्सव में अपनी सहभागी और अपनी हिस्सेदारी और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मतदान करने के लिए समाए हैं और सभी से अपील करता हूं कि सभी अपना मतदान करें और अवश्य करें। आपके एक मतदान से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को एक नई गति को प्रदान, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। जब परिणाम आएगा और अभी भी आप लगन लोगों से पूछेंगे तो साफ कहना है देश के लिए चुनाव है और देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 5 साल के कांग्रेस की सरकार थी तो 500 रुपये लोग देने की घोषणा किए थे माताओं को और गैस सिलेंडर भी 500 रुपये में देने के बाद कहते ना, दोनों वादा पूरा नहीं किए। पिछले विधानसभा के जो 5 साल की जो घोषणा था उसको पूरा नहीं किया तो इस 1 लाख को कहाँ से करेंगे। और जो मजदूरी न्यूनतम मजदूरी है वो भी अगर पूरा जोड़ेंगे तो उतना पैसा नहीं होता और देश की जो बजट है कुल उस बजट के अनुरूप उसके डबल के हिसाब से या डेढ़ा के हिसाब से जो ये जो बता रहे हैं 1 लाख रुपये जो देंगे वो कहाँ से देंगे जब इतना बजट ही नहीं है देश। गौरतलब है कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न कराया गया जो शाम 6 बजे तक चला। इस बार मतदाताओं का रुझान काफी अलग नजर आया। एक तो मौसम की मेहरबानी और मतदाताओं का मतदान को लेकर उत्साह देखते ही बना। आज इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 93 सीटों पर वोटिंग की गई। इसके लिए 1351 उम्मीदवार खड़े हैं।
इन सभी उम्मीदवारों को वोटिंग की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसके बाद 4 जून को साफ होगा कि आखिर कितने उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा को पार गए। बता दें, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और सीट शामिल है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। नक्सल प्रभावित बस्तर में 19 अप्रैल को राजनांदगांव कांकेर महासमुंद सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान हुआ। वहीं हाई प्रोफाइल दुर्ग की सीट पर भाजपा के वर्तमान सांसद विजय बघेल का मुकाबला कांग्रेस के महामंत्री और सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू से रहा, जिससे मिली जानकारी के अनुसार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बहरहाल, जिस तरह से मतदाता लोकसभा चुनाव में अपना सांसद चुनने सुबह से घर से निकल मतदान केंद्र पहुंचे नजर आए, सुविधा का ख्याल रखते हुए कलेक्टर और जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा उन सभी मतदाताओं के लिए प्रत्येक केंद्रों में व्यापक व्यवस्था इंतजाम किए गए थे। इससे सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न हुआ। वैसे इस बार मौसम की मेहरबानी की वजह से शासन प्रशासन की व्यवस्था के चलते मतदान प्रतिशत बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिसके बाद अब उन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आगामी 4 जून को मतगणना के बाद होगा। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।